मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर दिया। पटना के सीपीआईएम प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने बताया कि इस मैनिफेस्टो में उन तमाम बातों का जिक्र है जो युवाओं और बेरोजगारों को आकर्षित कर सके। महिलाओं के लिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण लागू हो, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म कराने के लिए चौतरफा कदम उठाए जाए, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था का भारी विस्तार हो, स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा दोनों शामिल हो, शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर GDP के 6% के बराबर किया जाए, शिक्षा का सांप्रदायिकरण रोका जाए और उसका जनतांत्रिक चरित्र सुनिश्चित किया जाए, एक संवैधानिक अधिकार के रूप में काम का अधिकार सुनिश्चित किया जाए, बेरोजगारों के लिए बेकारी भत्ते का प्रावधान हो, सभी नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन जो न्यूनतम मजदूरों से कम आधे या 6,000 रुपया महीना